बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है एक तरफ नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की अटकलें लग रही हैं तो दूसरी ओर उनके एनडीए में वापसी के कयास भी लगाए जा रहे हैं हालांकि पार्टी की ओर से इन अटकलों पर अपनी स्थिति की गई है नीतीश कुमार के करीबी मंत्री संजय झा ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि जेडीयू की एनडीए में वापसी का कोई प्लान नहीं है इंडिया गठबंधन मजबूत है और आगे भी रहेगा वहीं नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने के सवाल पर मंत्री झा ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है इसी तरह जे के वरिष्ठ नेता के त्यागी से मंगलवार को पूछा गया की क्या नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का कन्वेना बनाया जा रहा है इस पर उन्होंने भी कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के निर्माण में नीतीश की अहम भूमिका है अटकलबाजी लगाई जा रही है कहा जा रहा है कि संयोजक नहीं बनाए जाने से नीतीश इंडिया गठबंधन के नेताओं से नाराज हैं साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है हालांकि जेडीयू की ओर से इन सभी अटकलों को खारिज किया गया है रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नीतीश की नाराजगी को दूर करने के लिए गठबंधन के नेता उन्हें संयोजक बनाने जा रहे हैं इसके लिए जल्द ही इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक हो सकती है